वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो भाई आज जो है होली है और मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और मेरी तरफ से सारी यूट्यूब फैमिली जो है सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यार जब मैं सुबह सो के उठी तो मैंने देखा बाहर निकल के, तो देखो भाई मेरी मम्मा जो है वो बाटियाँ बना रही, मेरी भाभी जो है वो बाटियाँ बना रही है। यार तो मैंने दिखाया, देखो हमारे घर में जो है आग लाई जाती है और ये होली का दहन की आग है ना भाई। और हमारे घर में जो आग लाई जाती है ऐसे हर घर में लाई जाती है ना, हिंदू धर्म में बस ये चीजें लाई जाती है। तो मैं जैसे अभी आग दिखा रही हूँ, इस तरीके से आग लग जाती, तो चलो मैं आपको बताती हूँ, अपनी मम्मी और भाभी से आपको जानकारी देती हूँ कि वो क्या बोलते हैं इस बारे में और क्यों आग लाई जाती है। तो ये मेरा चाचा का लड़का था जो अभी आग लेके आ रहा, मैंने आपको दिखाया। यार जैसे कि मैंने देखा तो मेरी मम्मा बैठी हुई है, मेरी भाभी बैठी हुई है और अभी मैंने दिखाया कि मेरा भाई जो है आग लेके आया हुआ है। तो चलो मेरी मम्मा से मैं पूछती हूँ। और मम्मा देखो अभी बाटियाँ बना रहे, तो इस बाटियों का क्या महत्व है तो मैं अपनी मम्मा से बताती हूँ। मम्मी बताइए क्यों आग लाई जाती है, क्यों बाटियाँ बनाई जाती हैं? इसलिए बनाई जाती हैं कि एक वर्ष में पूर्णिमा आती है, रात को होली जलती है, सवेरे घरगुला बनाते हैं, उनको ले जाते हैं और होली में डालते हैं, आगे घर लेकर आते हैं, घर की जो दुरस्था दूर हो जाती है और अच्छा होता है। भाभी बताएं कुछ, आप भी बताएं, भाभी बोले जो मतलब हमारे बुजुर्ग थे तो उन लोगों से हमने सीखा कि मतलब कैसे होली का उत्सव मनाया जाता है, इसलिए हम लोग भी बुजुर्गों चली आ रही प्रथा हम लोग भी वैसे ही कर रहे हैं। मतलब पहले घर गूला बनाते हैं, फिर हम लोग होली में ले जाते हैं, फिर जो हम भी घर की दरिद्रता होती है उसके लिए मतलब पूरे भारतवासी जो होते हैं तो वो सब मिलकर उत्सव मनाते हैं होली का। इसलिए हम लोग वहाँ से शुद्ध आग लेके आते हैं, फिर घर में मतलब ये बाटियाँ बनती है। तो यार देखो मेरी मम्मी और भाभी बता रही है कि घर की जो दरिद्रता होती है, यार तो जैसे भाभी और मम्मी बता रही है घर की दरिद्रता होती है, घर गूले बनते हैं, वो हम आग में डाल के आते हैं, होली का दहन बोलते हैं जैसे, और शुद्ध आग घर के लिए लाई जाती है जिससे हम अपने घर के जो होता है भोग लगाते हैं भगवान जी को, खाना शुद्ध आग में खाना बनाते हैं सुबह की। होली की जो शुरुआत होती है वो इससे ही होती है। तो जिसको यार नई नॉलेज है तो अपने बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे जानकारी लीजिए, नॉलेज लीजिए और उनके हिसाब से होली का उत्सव मनाइए। तो आगे अभी तो भाई बाटियां बन रही हैं, तो आगे आगे देखो यार जो भी होता है मैं आपको जानकारी देती रहूँगी, बताऊँगी कि देखो कैसे क्या हो रहा है। अभी तो मैंने आपको आग के बारे में महत्व, होलिका दहन का जो महत्व होता है वो मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है। तो आगे देखते हैं कि होली कैसे खेलते हैं, और तब तक बने रहिए मेरे YouTube फैमिली मेरे चैनल पे, मैं फिर से अभी आती हूँ। यार तो देख रहे हो सामने मेरी मम्मी और भाभी बैठी हैं और सामने जो है मामी का घर है। तो देख रहे हो, और मैंने अपने घर की जानकारी दी और मैं बता रही हूँ कि होली में हर घर में मतलब ये चीज़ होती है। और अभी मामी जो है आटा लगा रही है। हाँ मम्मी तो बताइए, थोड़ी जानकारी दो कि होली क्यों मनाई जाती है। रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, और होलिका ने अपने पहलाद को, भक्त पहलाद को मोदी मिले कभी अच्छा से। तो आग आग क्यों लाई जाती है? आग मैंने मम्मी से भी पूछा, नई कहाती है घर में लाते हैं, हर अच्छा कहलाता है, अच्छा कहलाता है आग लाना, नई आग कहाती, साल भर में एक बार तो लाते हैं घर में। तो भाई बहुत धुआं हो रहा है और मेरी मामी जो है बहुत परेशान हो रही है, बहुत ज्यादा धुआं हो रहा है। यार तो तुम देख रही हो जैसे कि मैंने मामी से पूछा, और ये है समीक्षा। तो ये जो है हमारे यहाँ अगर बच्चों से भी पूछा जाए ना तो होली के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। तो चलो मैं बताती हूँ कि समीक्षा आपको क्या जानकारी देती है। हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस था, बड़ा ही अत्याचारी था, वह स्वयं को भगवान मानता था, उसने सारी प्रजा को
आदेश दिया कि ईश्वर की आराधना छोड़कर उसकी पूजा करें, परंतु उसका प्रहलाद परंतु पुत्र प्रहलाद ने इसकी बात नहीं मानी और ईश्वर की आराधना करने में जुट गया। पिता ने उसको मारने की बहुत कोशिश करी, ईश्वर की कृपा से हर बार बच जाता था। अंत में होलिका उसकी बहन होलिका ने में बैठ के आग में बैठ के उसको गोद में लिए। पुत्र प्राता होलिका जल जाती, इसीलिए होली का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। यार तो तुम देख रहे हो छोटी बच्ची ने कितनी अच्छी बात बताई है। और यार तो देख रहे हो, मैंने छोटी सी बच्ची से पूछा तो वो जानकारी देने के समय देख रहे थे उसकी आंख में किस तरीके से आंसू बह रहे थे। कोई भी हो मतलब इस तरीके से अगर कोई करेगा कि अपनी बुआ अपने भतीजे को लेके आग में बैठेगी, और ये कहानी अगर एक प्रकार से होली की सुनी जाए था, तो तुमने देखा कि छोटी बच्ची की आंख में आंसू आ रहे, तो मेरे भी आंख में आंसू आ रहे थे। तो बने रहिए यार मेरे चैनल पे, मैं बताती हूँ आगे। तो यार मैं जैसा बता रही हूँ कि देखो अभी बाहर बाटी वाली अब मेरे पापा जो है गुलाल के रंगों को माता रानी को लगा रहे हैं और सारे भगवानों को लगाएंगे। तो उसके बाद जो है फिर हम एक दूसरे को तिलक करेंगे। तो देख रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया था कि बाटियां बनती और उसका वो भोजन बनता है आग में, तो वो भगवान को भोग लगाया जाता है। भगवान जी को अब तिलक लग चुका है, तो अब हम जो है एक दूसरे को घर में तिलक लगाते हैं। तो पापा जो है मम्मी को तिलक लगा रहे हैं और मम्मी जो है पापा जी को तिलक लगा रही है, और धीरे धीरे करके हर सदस्य हम इसी तरह से तो गुलाल रंगोली करते हैं और होली का त्योहार जो है वो शुरू करते हैं। हाँ, होलिया में उड़े रे गुलाल तैयो रे मंगेतर से। छोटू सदस्य जो कि अब लग रही है छोटे को गुलाल। तो अब मेरे भाई छोटू से बड़े वाले भैया को जो गुलाल लग रही है, छोटे से सदस्य से स्टार्ट होता है और फिर धीरे 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 सबको लगती रहती है गुलाले। आ भाई ये तो दादाजी ने नाती ने दादाजी को रंग दिया बिल्कुल। भैया भाभी का बोलो, हर कुछ बोलो तो सही, ये आप ही होली बोलो कछु तो बोलो। हाय हाय भैया इतना शर्माओ। मैं बहुत देर से ब्लॉग बना रही थी और आवाज आ चुकी है मेरी बारी। तो ये देखो मुझे लग चुका है तिलक और अब मेरी बारी है। तो मेरे को अब देखो कैसे छपाती है। और भाई ये तो भाभी है मम्मी है, देखो नवाब की।
यार तो अब जो है तिलक विलक वो पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है, और तिलक करने के बाद जो है होली का जो हम आग लेके आते हैं तो उनकी विदाई होती है। तो अब मेरे मम्मी पापा जो है विदाई कर रहे हैं, जो जलाई जाती है, जो हम उसमें पकवान बोल रही हूँ बाटियाँ बनाई जाती हैं उसका भोग लगाते हैं बैगन के भरते के स्थान, और फिर उनको विदाई दी जाती है। तो देखो मैं कैसे वे दिखाती हूँ आपको। तो देख रहे हैं आप जिस तरीके से होली तिलक विलक सब कुछ हो गया है, और मेरे भाई का भी छोटा भाई खेल ही जा रहा है। तो भाई देखो पापा जो है जोश से विदाई दे रहे हैं, मम्मा जो है अगरबत्ती कर रही है। तो यार हर चीज़ का नियम होता है, जिस तरीके से बड़े बुजुर्ग करते हैं हम देख रहे हैं, जिसको नहीं आता है वो देख सकता है। हाँ होली शुरू हो चुकी है, अभी मोहल्ले में हमारे जो मोहल्ला है करवाली चौथ आप लोग करते हैं, तो होली शुरू हो गई है और होली खेली जा रही है। तो भाई देखो पहले घी का भोग लगाते हैं, पहले सबसे पहले जोत से होती है, और फिर उसके बाद अगरबत्ती लगाई जाती है। पापा नारियल छील रहे हैं, मम्मा जो है घी का भोग दे रही है। तो यार एक एक चीज़ मैंने आपको दिखाई कि सुबह का जो प्रोसेस होता है, होली कैसे शुरुआत होती है और कैसे मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है, मैंने हर चीज़ की जानकारी आपको दी है। तो जिसको नहीं समझ में आते हम, वैसे तो सभी जानते हैं होली होता क्या है, फिर भी मैंने जानकारी दी। तो जहाँ तक हो सके यार मुझे लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बजाना नहीं भूलना। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। सबको हैप्पी होली, बाय, टेक केयर।